अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद इस घंटे को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त ललित और बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे बहुत दिन से एक कमेंट आ रहा था कि हमें आरजीबी पर एक झालर बना के दिखाइए आरजीबी बल्ब के ऊपर। तो चलिए हमने उसी के आधार पर आज एक आरजीबी बल्ब पर एक झालर बना के आपको दिखाएंगे और उसे जला के भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है और कैसे जलने पर यह दिखता है। ठीक है, तो उसका जो सर्किट होगा, ये सर्किट हमने पहले से आपको बना के दिखाए हैं, तो उसी सर्किट पर ये बल्ब भी ऑपरेट करेगा। तो चलिए वही सेम सर्किट रहेगा। उस वीडियो का अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों वो आरजीबी बल्ब। ठीक है, तो ऐसा हमें चाहिए 60 पीस लैम्प और 60 पीस चाहिए हमें इसका होल्डर, ये वाला। ठीक है, और हमें चाहिए सोल्डिंग पेस्ट, सोल्डिंग आयरन, ये है सोल्डिंग आयरन और रंगा। ठीक है, तो चलिए हम आप इसे आपको बना के दिखाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 60 पीस ऐसा कटा हुआ वायर, तो आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा जितना दूरी पे आप अपना एक से दूसरे बल्ब को रखना चाहते हैं उतना दूरी पर आप इसे काट लीजिएगा। और हमने क्या किया है कि दोनों साइड में देखिए इसको छील दिए हैं, और जितना इसमें पतला वायर आप ले सकते हैं तो उतना ही लीजिए। हमने इसे फिलहाल पतला वायर लिए हैं और ये एल्युमिनियम का है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको इसे दिखाते हैं कि आप किस तरीके से करिएगा, और उसके बाद हम आपको डायग्राम में भी बता देंगे। तो सबसे पहला जो हमें बल्ब लेना है, जो हमारा शुरुआती होगा, उसे हमें लेना है पॉजिटिव साइड को। ठीक है, तो हर एलईडी बल्ब का पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड रहता है, जिसमें हमने हर वीडियो में आपको दिखाया है। जो इसका अंदर में देखिए एक चपटा सा होगा, जैसे कि ये देखिए ये चपटा सा, ये है नेगेटिव का और ये है पॉजिटिव का। जो बड़ा वाला रहता है वो पॉजिटिव का होता है और जो छोटा वाला रहेगा वो नेगेटिव का होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहला जो बल्ब देना है वो हमें देना है पॉजिटिव पे। तो क्यों हमें पॉजिटिव पे देना है इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे वीडियो के अंत में। और इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये वायर हो गया हमारा अभी पॉजिटिव का, क्योंकि हमने इससे पहले वाले बल्ब में पॉजिटिव पे दिए हैं। अब हम देंगे इसके नेगेटिव पे। तो जिस तरीके से हम इसे बना रहे हैं आप भी दोस्तों उसी तरीके से बनाइएगा। तो इसे हमने पहले नेगेटिव पे दिया, फिर ये पॉजिटिव हो गया। तो हमें ये बिल्कुल 60 पीस लैम्प तक इसी तरीके से लेके जाना है, जैसे कि
अगर आप पहले से इसमें नेगेटिव को कट करके रखते हैं तो आपको बनाने में थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि हर बार आपको देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। आप एक तरीके से एकदम पूरा एक साथ ही पहले 60 लैम्प को आप कट कर लीजिए, नेगेटिव को सभी नेगेटिव को आप कट करके रख लीजिए। उसके बाद जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं उसी तरीके से आप भी इसे बनाइएगा। तो इसी तरीके से हमें 60 पीस लेंथ तक इसे बनाना है। तो चलिए इसके बाद हम आपको पहले दिखा देते हैं कि आप किस तरीके से करिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों होता है RGB। तो इसका RGB का क्या मतलब हुआ, देखिए R से हुआ रेड, G से हुआ ग्रीन और B से हुआ ब्लू, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया RGB। RGB में 3 कलर होता है, उसी का मिक्सिंग को कहा जाता है RGB, जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो चलिए अब हो गया इसका कनेक्शन के बारे में। तो हमें लेना है कितना, हम कहें आपको कि 60 पीस लैम लेना है और 60 पीस इसका कैप लेना है ये। तो अब हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि एक बल्ब ये हुआ 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चलिए ये जैसे हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो हर किसी का जैसे लेफ्ट साइड का जितना ये लेफ्ट साइड का है ये हो गया हमारा पॉजिटिव का और राइट साइड का हो गया नेगेटिव का। तो सबसे पहले शुरुआत हम कहाँ से किए थे, यहाँ से। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव का, तो ये नेगेटिव हो गया हमारा पॉजिटिव में जाके, ये नेगेटिव गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव गया पॉजिटिव में, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव में, ये इससे। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अगर हम इस साइड से एक कॉमन वायर लेके लाते हैं यहाँ तक, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमें मिल रहा है। जैसे ये 60 पीस लैम्प हो गया पूरा, इसी तरीके से हमें सीरीज बनाते हुए जाना है। ये 60 पीस लैम्प हमारा पूरा हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमारा यहाँ पे मिल गया। तो जो हम यहाँ पे सर्किट बनाएंगे, ये सर्किट हम पहले भी आपको बना के दिखाए हैं, हम आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो निकलेगा ये होगा पॉजिटिव का, तो इससे हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इसे हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 60 पीस लैम्प का। तो अब हम चलिए, तो सबसे पहले हम इसे 60 पीस को इसी में सोल्ड करके, उसके बाद एक जो कॉमन वायर होता है कॉमन वायर भी इसमें लगा के, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं इसे जला के, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हमने पहले से ही ऐसा एक बना के रखा है, देखिए। तो चलिए हम इसे आपको जला के दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे आपको जला के दिखाते हैं कि कैसे ये लगता है जलने के बाद। तो इसमें 3 कलर होता है, जैसे कि रेड ग्रीन और ब्लू। आपको बल्ब पे इसे पता नहीं लगता होगा, लेकिन आप नीचे ख्याल करिए, नीचे पे देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि इसका तीनों कलर। नीचे अगर आप देखिएगा टेबल पर तो देखिए। तो यही था दोस्तों RGB का झालर, जो हमें बहुत दिन से
मेरे दोस्तों ने बताया था कि हमें दिखाइए, देखिए इसका कलर आरजीबी का, तो हम आपको इस तरीके से दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, यही है आरजीबी का, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आने वाले बेल के आइकन को भी कर दीजिए प्रेस, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।